के पीठ पीछे किसी की बुराई बयान करना अल्लाह को पसंद नहीं है सिवाय मजलूम के। अगर किसी शख्स ने किसी शख्स पर जुल्म किया है तो जालिम के खिलाफ मजलूम पीठ पीछे उसकी शिकायत कर सकता है, लेकिन मिन गैरी अन यक्ज़िबा अलैहि, खिलाफ वाकया बात न कहे। जितना उसके ऊपर जुल्म किया गया है सिर्फ उतना ही बयान करे, बढ़ा चढ़ा कर बयान न करे। ये बताइए, ला युहिब्बुल्लाहु अल-जहर बिस्सू'इ मिनल क़ौली इल्ला मन ज़ुलिम। उसके बाद अल्लाह की दो सिफतें आ रही हैं, वकान अल्लाह समीअन अलीमा। अल्लाह अल्लाह की पहली सिफत आई समीअ, ये मजलूम के लिए कि ऐ मेरे बंदे जिसके ऊपर जुल्म किया गया है तेरी फरियाद कोई अदालत न सुन रही हो मगर तेरी बात मैं बराबर सुन रहा हूं, तेरी आवाज मैं बराबर सुनता हूं, तू मेरी निगाहों से ओझल नहीं है। उसके बाद अलीमन कहा गया, अल्लाह को मालूम है कि तेरे ऊपर कितना जुल्म किया गया है, लिहाजा उतना ही बयान कर जितना तेरे ऊपर जुल्म किया गया है। ये दोनों सिफतें लाएगी। तो आदमी जालिम के खिलाफ गीबत कर सकता है, लेकिन इन तुब्दु खैरन व तुख्फुहु ताफु अन सईद अन सुईन फइन्नल्लाह काना अफुवन कदीरा, लेकिन अगर माफ कर दे तो ये अफजल है। जी, और अल्लाह की दो सिफतें आ रही हैं, अफुवन कदीरा, अल्लाह कादिर होने के बावजूद तुमको माफ कर देता है। तुम कितने गुनाह करते हो, कितने गुनाह करते हो तुम, अल्लाह चाहे कादिर है कि तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा ऑन द स्पॉट दे, लेकिन तुम्हें गुनाह करते वक्त सजा नहीं देता, ढील देता है, इसलिए कि वो अफू है। अफू कुदरत रखने के बावजूद तुम्हारे गुनाहों के ऊपर पर्दा डाल देता है, तुम्हें माफ कर देता है। तो ऐसे ही तुम भी माफ कर दिया करो, क्या फर्क पड़ता है। अल्लाह की एक सिफत सितीर है, बाज़ लोग अल्लाह की सिफत सत्तार बताते हैं, वो सही नहीं है। वो अल्लाह की सिफत सत्तार नहीं है, सितीर है, सितीर, लिहाजा अब्दुस सत्तार नहीं अब्दुस सितीर नाम रखा जाए। जी, सत्तार अल्लाह की सिफत नहीं। ये सिफत क्यों है अल्लाह की? अल्लाहु अकबर। ये सिफत अगर समझ में आ जाए तो अल्लाह से बहुत प्यार हो जाए, अल्लाह से बहुत मोहब्बत हो जाए। कैसे? अल्लाह फरमा रहा है तुमने ऐसी ऐसी खताएं की हैं कि अगर तुम्हारी खताएं तुम्हारे बेटे को मालूम हो जाएं तो बेटा तुमसे नफरत करने लगे। और ऐ मां तूने ऐसी ऐसी गलतियां की हैं कि अगर तेरे बेटे को मालूम हो जाए तो बेटा तुझसे नफरत करने लगे। तो अल्लाह सबके गुनाहों के ऊपर पर्दा डाल देता है, छुपा देता है, सितीर। और रब्बे ताला की सिफत सितीर की वजह से ये आयली निजाम, ये खानदानी निजाम कायम है, वरना खता सब करते हैं। अगर बाप की खता बेटे को मालूम हो जाए तो बेटा बाप की इज्जत ना करे, मां की खताएं अगर बच्चे को मालूम हो जाए तो बेटा मां की कदर ना करे, मां का एहतराम ना करे। अल्लाह तबारक व ताला का कितना बड़ा करम है, ये फजलो करम है कि तुम गुनाह करते हो मगर तुम्हारे गुनाह को पर्दा डाल देता है, खोलता नहीं हो। जी नहीं तो पूरा आयली निजाम बिगड़ करके रह जाए। अल्लाह तो माफ कर दो तो बहुत अच्छा है।